तुम्हें भी गोटे इच्छा धरी ना गुणी। हाँ जमी तो सत गोटे रहस्य ही रही सेमी मोर भी किंतु तू एक जमा भी भाबुनु कि मुझे दया भाव देखी साहय करदेली कि मोर हृदय तो प्रति तली गला सेमती कि नहीं मु तोते साहय करुची कहीं बदल तू मत साहय कर हाँ साहय से छंचाण को खत्म करने तू तो निश्चय शुणीबू कि गोटाए नागुणी ठू दु दुईटा नागुणी अधिक शक्तिशाली एवं तू निजे कह तू कौन करने को चाहु तू मो सतरे राजी हाँ चाहु ना ना आदि हाँ कहु ताले मु तोते बाहर करी जदि नहीं ताले मु चली एठु हाँ मु राजी हमें दुए मिसी इच्छा दे चंचल को शेष कर देबा वीर वो को तू नबा पाई साहस कर लो केमती तू भाभी पर लोगे केमती वो अजी तो चमारो छाड़ी भी नहीं चमारो भी नहीं तुम्हें चिंता करो ठीक अच्छे देखे कि आराम से आराम से ओला आसुची अरे किए कोठी अच्छा की अच्छा आराम से उठ पापा तू ठीक अच्छु ना बापा तोर कि सत कह हाँ माँ मु ठीक अच्छे तुम्हें अद व्यस्त होने चलो जल्दी जी बहुत लेट है चलो ना नागेश तू एक जा मु तो सागरे चाहिए कौन पाई माँ से छंचाण गोटे साधारण छंचाण नुहे रे बापा से पुणी थे आक्रमण करें ताको मु एठी अटकेबी देरी हलाणी तू जा हेले म से छंटाड़ तो बहुत भयंकर तुम्हें ता सामना केमती करिवो गोटे माँ को भगवान शक्ति दे थांती ता छुआ को रक्षा करिवा पई ताको सुरक्षा दबा पई तुम पई जमारो चिंता करनी मोर किछि भी अब तू जा बाबा
मुझे तू फेर मो बो को सागर लेके फिर ते कहली ना जा मो आशीर्वाद तो सागर अच्छे जा तो पुओ को छाड़ी भी जीवन मारी देवी तो पतिशन मंजरी आम कू को दर्पण भितर बाहर केमी सब कू को दर्पण रु बाहर को बाहर गोटाए रास्ता तो निश्चय था आमो को खाली से रास्ता खोजी बाहर करिबा को पड़िबो हेले हमें तो को देखिबा के मिति से भी गोटे कुहू का दर्पण वरी देखिबा को आखी अगर थिबो किंतु दिसु नथिबो आ हां सेथिरे हमें बाहर दुनिया रो सब छवि देखि पारिबा आमो को ठीक सेमिति का दर्पण खोजी बाहर करिबा को पड़िबो गोटे काम कर तू एपड खोज मु सेपड खोजु छी हला जा कि ना इटा पानी नुह बरंग पानी रो सृष्टि होतिबा गोटे भ्रम भ्रम हाँ भ्रम ध्यान दे ह्रद को देखतु कौन देखा जाउछि तते गच्छ देखा जाउछि ना किंतु ए आख पाखरे तो गोटे भी गच्छ नै किछि बुझि पल्लु माने एटा रद नुह बरंग रदर भ्रम सृष्टि करुचि जी आमको बाहर दुनिया रो छवि देखौचि हाँ नंदिनी एटा सेई रास्ता जहाँ को आमे खोजुथिले या भीतर दे आमे बाहर दुनिया को जाई परिबा चाल मो सांगरे जल्दी भाई लिफ्ट 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 मुझे मंगला मंदिर जीवार अच्छी मत खाली टी लिफ्ट दे दिखुद प्लीज दे दिखुद लिफ्ट भाई टी भाई 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 लिफ्ट 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 जी भाई 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 ठीक भाई 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 मंगला मंदिर जीवार अच्छी भाई 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 तो लिफ्ट दियो Oh,
अरे अच्छा पागल मरवाप मो गाड़ी आगे आई जा बहुत समय ढड़ा लिफ्ट मांगुची कहीं लिफ्ट दौना मो मोर मंगल मंदिर जी निहार दरकार मत प्लीज लिफ्ट दिखा मो स्त्री को बचेवा को मते प्लीज लिफ्ट दिखा मत मंगल मंदिर छाड़ दिखा प्लीज प्लीज मना कर अरे मु तो मंगल मंदिर आड़े जाऊनी हेले तू व्यस्त हो ना बेटा प्रेम पाए तो ये गुरुदास रास्ता भी बदल दे पार आ बेटा आ गाड़ी बस धन्यवाद बहुत 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 धन्यवाद थैंक यू पाजी झेली थैंक यू मोर ए सब किसी दरकार नहीं बेटा खाली एति प्रार्थना कर मास मास धरी अपेक्षा कर रही मो स्त्री को मु केमती शीघ्र जाए देखी पारिबी आमो प्रेम तो तुम भली महान नुह ना हेले आमे परस्पर बहुत भल पाऊ सब प्रेम निज निज जगार बहुत महान मुण दिजन मुश्चय माँ का पाखे प्रार्थना करी रुद्री बहुत जल्दी तुम्हें मो पाख को फेरी आस मरण मुहर मु तुमको छड़ी आने विरोध बहुत जल्दी कहाँ तू के पुआ पुआते पहुंची पार मुझे तो पुओ छड़े नहीं मोठू कह कौटे से आज मुझे छाड़बिन तार मरी पचाए तार रक्षा करी तू तार किसी भी करी पारी मुनी तू कौन भावुचु तू तू मत अटके पारू गोटे छाधारी छंचाण सामना करू तू गोटे छार मनीष हो कि तू मो शक्तिर मुकाबला करू हाँ तू मो शक्तिर मुकाबला करू जल्दी करने को पड़ो ना गागिम को मारिदेब हाँ नंदिनी चल जा छंचाण सहित लड़ाई करेष करदे चल
ଏଠାରେ ଆସି ଠିକ୍ ସମୟରେ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଆସି ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲ କ'ଣ ପାଇଁ? କିଏ ତୁମେ? ଏଗୁଡ଼ାକ ପାଗଳାମି ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଡେରି ହେଲେ ମଢ଼ା ଗନ୍ଧେଇବ, ମଢ଼ାକୁ କିଏ ଘରେ ଏତେ ସମୟ ରଖେ ନା କ'ଣ? ଅଳକା ମାଇଁ, ଇଏ ମଡ଼ା ନୁହ, ରୁଦ୍ରି ଭାଉଜ, ମୋ ରୁଦ୍ରି ଭାଉଜ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଇଏ ତୋ ରୁଦ୍ରି ଭାଉଜ, କେବଳ ତୋ ରୁଦ୍ରି ଭାଉଜ। ହେଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମକୁ ତ ପୁଣି ଶବ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଗେଶରେ ପାଗଳ ମିଳୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ ଶୁଣି? ସମସ୍ତେ ଖାଲି ହଇରାଣ ହେବା କଥା। ଆଜି ଯାଏ ମଲା ଲୋକ କେବେ ବଞ୍ଚିବାର ଦେଖିଛ? ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଥରେ ବାହାରିଗଲେ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିବନି। କାହିଁକି ଫେରିବନି? ଆଗରୁ ତ ଏମିତି ହଉଥିଲା, ସାବିତ୍ରୀ ତ ପୁଣି ଯମରାଜାଙ୍କ ହାତରୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଫେରେଇ ଆଣିଥିଲେ ନା? ରାକ୍ଷୀ, ସେଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ପୁରାଣ କଥା, ଆଉ ତମ କଥା ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା କେବଳ ସେ ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ହୋଇଥିବ, କଳିଯୁଗରେ ସେଇଟା କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ହେବନି? ଆଗରୁ ପୁଣି ଆମେ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗୁଣୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛେ। ମୁଁ କହୁଛି ଏ ମଢ଼ା ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଘରେ ରହିବନି, ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସତ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ। ନାଇଁ, କାହିଁକି ହେବନି? ଆଗରୁ ପୁଣି ଆମେ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗୁଣୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛେ। ମୁଁ କହୁଛି ଏ ମଢ଼ା ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଘରେ ରହିବନି, ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସତ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ। ନାଇଁ, ଭାଇ କହିକି ଯାଇଛି ଭାଉଜଙ୍କର କେହି କିଛି କରିବନି। ଆରେ ନାଗେଶ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଯିବା? ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ ମଢ଼ା ଗନ୍ଧେଇବ, ଆଉ ବସି ବି ପାରିବାନି। ବାସି ମଢ଼ା ଘରେ ରହିବା କଥା ନୁହଁ। କହିଲି ନା, ଇଏ ମଢ଼ା ନୁହ, ରୁଦ୍ରି ଭାଉଜ। ଓହୋ, ସତ ସବୁବେଳେ ସତ, ତାକୁ ଯେତେ ଢାଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ସେଇ ସତ ହିଁ ରହିବ। ଏଣୁ ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ମଢ଼ା ପାଲଟିଯାଏ। ଅଳକା ଭାଉଜ, ଏସବୁ ଯୁକ୍ତି କରିବାର ସମୟ ନୁହେଁ। କୋଉ ଠିକ କହୁଛି? ଆମକୁ ନାଗେଶ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶାଲ, କୁହୁ ଭଳି ତମେ ବି ନାଗେଶ କଥାରେ ବାଉଳା ହେଇଯାଉଛ? ଆରେ ରୁଦ୍ରି ଚାଲିଯାଇଛି ବୋଲି ତା ମୁଣ୍ଡ ଏବେ କାମ କରୁନି। ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଆଉ କିଛି ବି ହେଉନି, ସେତେବେଳେ ସତଟା କ'ଣ ସେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ମଢ଼ାଟାକୁ ବାସି କରିଦେବା? ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ବାସି ମଢ଼ା ଘରେ ରହିଲେ ଅଶୁଭ, ତାପରେ କ'ଣ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ସେ କଥା କିଏ କହିପାରିବ? ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଶବ ସତ୍କାର କରିଦେବା।